हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, यदि आप भी शेयर मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड यदि आपको ITR फाइल करनी है, तो इससे रिलेटेड हम ये चार पॉइंट्स आज वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस का जो टर्नओवर है वो न्यू रूल के अकॉर्डिंग किस तरीके से कैलकुलेट होगा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आपको अपने ब्रोकर्स के पोर्टल से, जैसे जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, आप स्टॉक, जिस भी ब्रोकर के साथ आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, तो उसके पोर्टल से आपको किस तरीके से FNO ट्रेडिंग के लिए जो स्टेटमेंट है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद यदि आप फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग करते हैं तो क्या आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट की ऑडिट करानी मैंडेटरी है, और आपको किस केस में अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना जरूरी है। चार पॉइंट इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। शेयर मार्केट में जो आप ट्रेडिंग करते हैं वो दो प्रकार के यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स होते हैं। पहला ट्रांजेक्शन होता है स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन और दूसरा होता है नॉन स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन। यदि आप किसी भी शेयर को या सिक्योरिटी को आप सेम डे खरीदते हैं और सेम डे आप बेच देते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपने बजाज फाइनेंस के शेयर को आपने ख़रीदा और उसी दिन इसको बेच दिया, तो ये आपका स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन माना जाएगा, यानी कि इंट्राडे ट्रांजेक्शन माना जाएगा। नॉन स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन होता है जिसमें कि आप शेयर्स या फिर स्टॉक्स की डिलीवरी आप लेते हैं और उसे एक दिन या दो दिन के बाद जैसा भी आपको प्रॉफिट या लॉस होता है उसके अकॉर्डिंग उसे आप सेल करते हैं। लेकिन जब आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं तो उस केस में आपका वो ट्रांजेक्शन हमेशा नॉन स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन माना जाता है। यदि आप सेम डे फ्यूचर एंड ऑप्शंस को आप खरीदते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर निफ्टी अगस्त का कॉल ऑप्शन है और यहाँ पर निफ्टी अगस्त का फ्यूचर ऑप्शन है, यदि आप इसे सेम डे खरीदते और बेचते हैं तो भी ये इंट्राडे या स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन नहीं माना जाता है, बल्कि एक नॉन स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन माना जाता है। और इनकम टैक्स एक्ट में यदि आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आप ट्रेडिंग करते हैं तो वो एक नॉर्मल बिजनेस ट्रांजेक्शन माना जाता है और उसके अकॉर्डिंग ही जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसकी ITR आपको फाइल करनी पड़ती। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जो ट्रेडिंग होती थी तो पहले किस तरीके से टर्नओवर कैलकुलेट किया जाता था आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि फ्यूचर्स में क्या होता था कि जो एब्सोल्यूट प्रॉफिट होती थी उसी को टर्नओवर मान लिया जाता था। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका गेन हुआ 50,000 का और यहाँ पे 35,000 का लॉस हो गया, तो यहाँ पे देखिए एब्सोल्यूट जो आपकी प्रॉफिट और लॉस है उसको एब्सोल्यूट मान करके यहाँ पे टर्नओवर कैलकुलेट हो जाता था। तो यहाँ पे आपका गेन हुआ 50,000 आपका टर्नओवर, यहाँ पे 35,000 पे लॉस है लेकिन टर्नओवर में 35,000 रुपीस आपका काउंट हो रहा था। इसी तरीके से ऑप्शन में क्या होता था कि जैसे आपका जो गेन है उसमें क्या होता था कि प्रीमियम का अमाउंट जो है जुड़ जाता था, यानी कि जो सेल वैल्यू है 50,000 रुपीस ये इसमें ऐड हो जाती थी, यहाँ पे 60,000 रुपीस का टर्नओवर रिपोर्ट हो जाता था। वैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन में आपको लॉस हो गया और यहाँ पे आपका जो प्रीमियम है यानी कि सेल्स है इसमें ये जो है ऑप्शन का लॉस ऐड होकर के यहाँ पे टर्नओवर निकलता था। अब क्या है हो गया कि ऑप्शन का जो टर्नओवर है उसमें कुछ चेंजेस आ गए। फ्यूचर्स के टर्नओवर कैलकुलेशन में कोई चेंजेस नहीं है लेकिन ऑप्शन में चेंजेस आ गया। इसके लिए मैं आपको यहाँ पे गाइडेंस नोट दिखाऊंगा जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए रिसेंटली इन्होंने लॉन्च किया है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि द टोटल ऑफ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल डिफरेंसेस शैल बी टेकन एज टर्नओवर। ठीक है, तो ये तो पहले भी हो रहा था कि टर्नओवर में क्या हो रहा है कि अब आपको फेवरेबल और अनफेवरेबल जो डिफरेंसेस है उसे टर्नओवर में लेने हैं, साथ में प्रीमियम रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ ऑप्शन इज आल्सो टू बी इंक्लूडेड इन टर्नओवर। ठीक है, अब क्या है टर्नओवर में आपको सेल्स यानी कि जो आपका प्रीमियम था उसको भी आपको जोड़ना होता था, लेकिन यहाँ पे आगे देखिए क्या बोल रहे हैं। हाउ एवर वेयर द प्रीमियम रिसीव्ड इज इंक्लूडेड फॉर डिटरमाइनिंग द नेट प्रॉफिट फॉर ट्रांजेक्शन। मतलब कि आपने यहाँ पे देखा कि ये जो आपका सेल वैल्यू है, ये जो प्रीमियम का अमाउंट है, ये आपका किस लिए कैलकुलेशन में यूज़ हो रहा है, गेन और लॉस करने के लिए। ठीक है, तो गेन और लॉस के कैलकुलेशन में आपकी ये सेल वैल्यू यूज़ हो रही है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि द सेम शुड नॉट बी सेपरेटली इंक्लूडेड। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब ऑप्शन का जो टर्नओवर निकलेगा उसमें सिर्फ और सिर्फ फेवरेबल और अनफेवरेबल डिफरेंसेस ही आएंगे, अब आपकी प्रीमियम यानी कि सेल वैल्यू उसमें ऐड नहीं होगी।
ICAI की गाइडेंस नोट को फॉलो करते हुए हमने यहाँ पे देखिए एक चार्ट बनाया है, न्यू मेथड टू कैलकुलेट द टर्नओवर। तो यहाँ पे देखिए फ्यूचर्स के लिए तो जो एब्सोल्यूट आपका गेन और लॉस है उसी को यहाँ पे टर्नओवर मान लिया गया है, लेकिन ऑप्शंस में देखिए यहाँ पे 12,000 रुपीज़ का गेन है, अब टर्नओवर में भी 12,000 रुपीज़ आ रहा है, और 4,000 रुपये का यहाँ लॉस है तो टर्नओवर में भी आपका 4,000 रुपये का ये एब्सोल्यूट मान करके इसको टर्नओवर कैलकुलेट किया जा रहा है। अब इस चार्ट को देख लीजिए कि किस तरीके से टर्नओवर कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे यदि आप इक्विटी इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो एब्सोल्यूट प्रॉफिट एंड लॉस ही आपको लेना है टर्नओवर के लिए। यदि आप डिलीवरी में ट्रेडिंग करते हैं तो सेल वैल्यू आता है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में करते हैं तो एब्सोल्यूट प्रॉफिट एंड लॉस ही केवल लिया जाता है जैसे हम लोगों ने देखा। बाकी करेंसी में कॉमोडिटी में करेंगे तो एब्सोल्यूट प्रॉफिट एंड लॉस ही कैलकुलेट होगा टर्नओवर के लिए। तो फर्स्ट वाला हमने डिस्कस कर लिया किस तरीके से आपको टर्नओवर कैलकुलेट करना है एज पर न्यू रूल। अब किस तरीके से आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग की रिपोर्ट डाउनलोड करनी है। यदि आप जीरोधा में ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस आप करते हैं जीरोधा में, तो आपको रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए आप यहां पे क्लिक करेंगे कॉर्नर पे और यहां पे कंसोल में चले जाएंगे। कंसोल में जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए रिपोर्ट का आपको ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे आपको टैक्स पीएनएल पे आपको क्लिक करना है। टैक्स पीएनएल पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ फाइनेंशियल ईयर 22-23 सेलेक्ट करना है और यहाँ पे फ्रॉम Q1 टू Q4 और आपको यहाँ से बिल्ड करना है रिपोर्ट। तो यहाँ पे देखिए आपका इक्विटी सेगमेंट का ये रिपोर्ट आ जाता है, करेंसी का आ जाता है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस का आ जाता है। तो हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस का टर्नओवर कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं, इसकी रिपोर्ट हमें डाउनलोड करनी है। तो यहाँ पे आप डाउनलोड टैक्स पीएनएल रिपोर्ट यहाँ पे आप डाउनलोड कर लेंगे इसमें। तो आप डाउनलोड करने के बाद अपने एक्सेल शीट को ओपन करेंगे और यहाँ पे आपको मैं टर्नओवर किस तरह से कैलकुलेट करना है एज पर न्यू रूल मैं आपको बताऊंगा। वैसे आप यहाँ पे राइट हैंड साइड में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको शो करेगा ग्रॉस पीएनएल, नेट पीएनएल, पीएनएल और टर्नओवर यहाँ पे शो करेगा, ठीक है, और बाकी जो चार्जेस आपके हैं यहाँ पे आपको दिखेंगे। वैसे मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से टर्नओवर आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए स्क्रिप्ट नेम आपको दिखा रहेगा कि मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस आप इसमें ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पे आपको लिखा रहेगा। और इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका टोटल पीएनएल कैलकुलेट किया गया है जो कि बाई अमाउंट और सेल अमाउंट से माइनस करके कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको टर्नओवर कैलकुलेट करना है तो किस तरीके से आप करेंगे, तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे प्लस करना है और ABS यहाँ पे आपको लिखना है। ABS लिखने के बाद टैब प्रेस करना है और यहाँ पे आपको टोटल पीएनएल पे आपको क्लिक करना है, फिर इसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और आपको डाउन एरो प्रेस करना है और इसके बाद आपको इंटर प्रेस कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे डबल क्लिक कर देना है तो आपका ये टोटल टर्नओवर कैलकुलेट होकर के आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम सीधे नीचे चले जाते हैं और नीचे आने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, इसे ऐड कर लेना है। तो ऐड करने के लिए हम यहाँ पे ऑटो सम पे प्रेस करेंगे और हमारा ये टर्नओवर देखिए कैलकुलेट होकर के आ गया, ठीक है। आपको ये टोटल टर्नओवर नोट डाउन करके रख लेना है क्योंकि इसी टर्नओवर के आधार पर ही ये डिसाइड होगा कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है या नहीं करना है, या फिर आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी। हमने यहाँ पे टर्नओवर देखिए नोट डाउन कर लिया है, आप भी टर्नओवर अपना नोट डाउन कर सकते हैं। और फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग करने पर आप जो है आपको क्या बुक्स ऑफ अकाउंट की अपने ऑडिट करानी मैंडेटरी है, तो इसके ऊपर भी हम चलिए डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है या नहीं करना है इसको भी हमें समझना जरूरी है। फ्यूचर एंड ऑप्शन के केस में क्या आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट की ऑडिट करानी मैंडेटरी है या नहीं है, इसके लिए हम सेक्शन 44AB जो कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 का है उसको हम रेफर करेंगे। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, नॉर्मल सिनारियों में जो व्यक्ति बिजनेस करता है यदि उसका टर्नओवर साल भर में 1 करोड़ के ऊपर एक्सीड करता है तो उसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट करानी मैंडेटरी है चार्टर्ड अकाउंटेंट से, ठीक है। फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के केस में जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, चाहे हम फंड को ऐड करें या शेयर बाई और सेल करें, फिर अपने बैंक अकाउंट में उसे वापस से पैसा मंगाएं, ये कम्प्लीटली डिजिटल होता है। तो जो हमारा रिसीट्स और पेमेंट होता है वो 95% से ज़्यादा हमारा, इवन आप 100% कह लीजिए क्योंकि यहाँ पे कैश में कुछ होता ही नहीं है, तो 95% से ज़्यादा आपका जो है ट्रांजेक्शन यदि डिजिटल मोड में हो रहा है तो उस केस में जो 1 करोड़ की लिमिट है वो 10 करोड़ की लिमिट तक जा चुकी है। मतलब कि यदि आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन से जो टर्नओवर है वो साल भर में 10 करोड़ के ऊपर यदि जाएगा तब आपको टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी, अदरवाइज आपको टैक्स ऑडिट करानी नहीं होगी। यदि मान लीजिए कि आप जो है प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन बेसिस को ऑप्ट करते हैं, सेक्शन 44AD में यदि आप प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन के बेसिस पे अपनी ITR को आप फाइल करना चाहते हैं, अपने फ्यूचर एंड ऑप्शंस के जो भी
लॉस और प्रॉफिट है उसको आप इसके थ्रू दिखाना चाहते हैं, तो उस केस में टर्नओवर की लिमिट देखिए यहाँ पे 2 करोड़ रुपए है, ठीक है। क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग जो है एक एलिजिबल बिजनेस की कैटेगरी में आता है, इसलिए इसको 44AD में कवर अप किया गया है। प्रेजेंटरी टैक्सेशन को यदि आप ऑप्ट करते हैं तो उस केस में क्या आपको ऑडिट करानी पड़ेगी सेक्शन 44AB में, तो उसके लिए भी देखिए यहाँ पे कंडीशन है कि जब आप प्रेजेंटरी टैक्सेशन बेसिस पे अपने प्रॉफिट को डिक्लेयर करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि आपके टोटल टर्नओवर का 8% और 6% ये प्रॉफिट डिक्लेयर कर देता है। लेकिन इन केस यदि आप 8% और 6% के नीचे अपनी प्रॉफिट को डिक्लेयर करते हैं तो उस केस में आपको 44AB में जो है अपनी ऑडिट करानी मैंडेटरी हो। यहाँ पे 6% का मतलब होता है कि यदि आप बैंक से ही सारा ट्रांजेक्शन करते हैं, डिजिटल मोड में करते हैं, तो उस केस में 6% ऑफ टोटल टर्नओवर आपका यहाँ पे लिमिट रखा गया है। आप इससे ज़्यादा आप रिपोर्ट कर दीजिए प्रॉफिट, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। इवन आप लॉस भी यदि रिपोर्ट करते हैं और 44AD में आप लॉस रिपोर्ट करते हैं तो भी आपको ऑडिट करानी पड़ेगी। वहीं आप यदि कैश में कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस केस में 8% का लिमिट दिया गया है, 8% ऑफ टोटल टर्नओवर, इसके ऊपर आपको शो करना है या 8% के नीचे नहीं शो करना है, नहीं तो आपके ऊपर 44AB का ऑडिट एप्लीकेबल हो जाए। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे टोटल टर्नओवर जो फ्यूचर एंड ऑप्शन से आपका 9,33,247 आ रहा है, तो क्या आपको ऑडिट यहाँ पे करानी मैंडेटरी है? तो यहाँ पे देखिए फ्यूचर एंड ऑप्शन के केस में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट की ऑडिट करानी मैंडेटरी नहीं, क्योंकि आपका टर्नओवर जो है 10 करोड़ के नीचे है। अब बात करते हैं कि क्या आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना मैंडेटरी है कि नहीं है। ये तो अकाउंट मेंटेन करने के लिए मैं आपको सेक्शन 44AA इनकम टैक्स एक्ट का रेफर करूंगा, जो कि मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट के बारे में बताता है। तो आप जब यहाँ पे आएंगे तो बिजनेस और प्रोफेशन के लिए देखिए यहाँ पे एक लिमिट बताई गई है, टर्नओवर की लिमिट और इनकम की लिमिट। तो जैसे मान लीजिए कि यदि आपकी इनकम 1,20,000 रुपये से ज़्यादा हो जाती है, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग आप करते हैं और आपका साल भर में इनकम 1,20,000 रुपये से एक्सीड कर जाता है, तो उस केस में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना मैंडेटरी है। लेकिन इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए लिमिट 2,50,000 रुपये है। यदि आपकी इनकम 1,20,000 के नीचे है, ठीक है, और लेकिन आपका जो सेल्स और टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट्स है, यानी कि जैसे हम लोगों ने फ्यूचर एंड ऑप्शंस का जो टर्नओवर निकाला था, यदि वो 10,00,000 रुपये से एक्सीड कर जाती है, कब? इन एनी वन ऑफ द 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर्स। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि आप 22-23 का अपना ITR फाइल करने जा रहे हैं, तो 22-23 से पिछले 3 सालों में यदि किसी भी एक साल में आपका टर्नओवर यदि फ्यूचर एंड ऑप्शन से 10,00,000 के ऊपर यदि क्रॉस किया है, तो उस केस में भी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना मैंडेटरी है। लेकिन इंडिविजुअल HUF के लिए ये टर्नओवर 25,00,000 रुपये की लिमिट रखी गई है, ठीक है। तो ये लिमिट आपको ध्यान रखनी है, इसी लिमिट के अनुसार ही आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना। तो यहाँ हमने टर्नओवर निकाला था 9,33,247, जो कि 10,00,000 के नीचे है। हालांकि ये तो करंट प्रीवियस ईयर का है, इसके पिछले वाले प्रीवियस ईयर में यदि होगा तब तो हम मेंटेन करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है।